हेलो चिल्ड्रेंस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ शेयरिंग आवर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना, ठीक है। जब हम खुश होते हैं किसी बात से तो हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग किसी और को बताते हैं कि हम इसलिए खुश हैं। जब हम दुखी होते हैं तब भी हम एक दूसरे को बताते हैं, अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, कि हम दुखी हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ते हैं। So start the lesson. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो मैं घर में दो लोगों को अपनी सारी जो मेरे स्कूल की न्यूज़ है, स्कूल में जो भी हुआ वो बताना पसंद करती हूँ, और वो मेरी कहानी को काफ़ी इन्जॉय करते हैं जो भी मैं स्कूल में होता है, ठीक है। हम भी जब स्कूल आते हैं तो स्कूल में हमें टीचर जो पढ़ाते हैं, हम बच्चों के साथ जो फ़न करते हैं, वो सारी चीज़ें हम घर में अपने घर वालों से शेयर करते हैं। तो वैसे इस स्टोरी में है कि एक लड़की है, वो क्या है, जब स्कूल से घर आती है तो उसे दो लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना बहुत पसंद है। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन है, उसकी नानी। She is always anxious to listen to me. वो हमेशा काफ़ी excited होती हैं उसकी नानी उसको सुनने के लिए। She waits for me to return from school. वो हमेशा इंतज़ार करती हैं कि कब वो स्कूल से घर आएगी। She is quite old and often has back pains. वो काफ़ी बूढ़ी हैं और उन्हें ज़्यादातर क्या है, बैक में पेन होता रहता है। She cannot see or hear well. वो अच्छे से देख नहीं पाती हैं और ना ही ठीक से सुन पाती हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। हर रोज़ सुबह पापा क्या करते हैं, उनके लिए तेज़ तेज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हरसेल्फ। वो बाकी का अपना काम खुद कर लेती हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। अगर कोई उन्हें उनका काम करने में हेल्प करता है तो वो उदास हो जाती हैं। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। जबकि वो ठीक से देख नहीं पाती हैं लेकिन फिर भी उन्हें क्या है, काफ़ी शौक है वेजिटेबल्स को कट करने का, सब्जी काटने का बहुत शौक है। शी सेज These days children do not know how to cut vegetables properly. वो कहती हैं कि आज के बच्चों को ठीक से सब्जी काटना नहीं आता, उन्हें नहीं पता है कि ठीक तरह से सब्जी कैसे काटते हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, खुद ही सब्जी काटती हैं। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। और जो सेकेंड पर्सन है वो कौन है, उसके रवि भैया। ही लिव्स विद अस। वो हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। और वो मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी बुलाते हैं। आई डो नॉट नो वॉट आर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर। मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता ये किस तरह का है लेकिन वो बहुत ही अच्छे भैया हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस। वो हमेशा तैयार रहते हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। रवि भैया टीच इन ए कॉलेज। रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अलॉट। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। कुछ कुछ उनमें से क्या है, घर पे भी उनके पास पढ़ने आते हैं। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस। रवि भैया को काफ़ी शौक़ है गाने सुनने का और जो नाटक होते हैं, प्लेज होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने का। ही इन्जॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम। उन्हें पसंद है कि वो अपने दोस्तों के साथ बातें करने जाएं और उनके साथ बाहर घूमने जाएं। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। उनका बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और हम सबको वो खूब हंसाते भी हैं। भैया कैरीज़ अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट। भैया अपने साथ में एक वाइट स्टिक रखते हैं जब वो घर से बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। जब वो घर में इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकते हैं। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। उन्हें क्या है, अपना काम खुद करना पसंद है। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। अगर कोई उनकी मदद करे जब वो नहीं चाहते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। अगर कभी भी उन्हें कोई मदद की ज़रूरत होती है तो वो खुद ही उसके लिए पूछ लिया करते हैं।
Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. भैया के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं उनसे बुक्स लेते हैं और फिर जब उन्हें टेप में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर बुक्स उनको रिटर्न कर देते हैं. रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स और रवि भैया क्या करते हैं उन टेप्स को सुनते हैं. भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू भैया के पास और भी कई सारी बुक्स हैं. द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स. जो पेजेस हैं उस बुक के वो काफ़ी थिक हैं मोटे हैं और उसमें रोज बनी हैं लाइंस बनी हैं और उठे उठे से पॉइंट्स हैं उसमें डॉट्स हैं. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स. वो किस तरह से पढ़ते हैं क्योंकि वो देख तो सकते नहीं हैं तो वो क्या है डॉटेड बुक है तो वो अपने फिंगर्स को उन पर चलाते हैं और फिर बुक्स पढ़ते हैं. टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. कभी कभी भैया के साथ मजाक करने के लिए मैं क्या करती हूँ जहाँ पर उन्होंने स्टिक रखी होती है उनके स्टिक की जगह बदल देती हूँ उस स्टिक को कहीं और रख देती हूँ. ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री. वो कभी उदास हो जाते हैं लेकिन कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा. क्योंकि मैं उनकी सबसे फेवरेट सिस्टर हूँ सीमा. आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप. सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे. मैं दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया ने कहा सीमा तुम आज बहुत खुश लग रही हो. भैया रिकॉग्नाइजेस नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव. भैया क्या है हमारे चलने के ही हमारी मूवमेंट से ही पहचान लेते हैं कि कौन सा फैमिली मेम्बर क्या फील कर रहा है. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. वो सिर्फ मेरे चलने से ही ये बता देते हैं कि मैं खुश हूँ या फिर उदास हूँ. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम. आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम. भैया फाइनली मैं अब फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो चुकी हूँ. मैंने अपनी न्यूज़ उनके साथ शेयर करी. ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच. उन्होंने मुझे शाबाशी दी और कहा प्यार से कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो. सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी. हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल. सीमा के जो फादर हैं वो क्या करते थे सीमा की नानी को न्यूज़पेपर तेज़ तेज पढ़कर सुनाया करते थे. आप बूढ़े लोगों की किस तरह से मदद करते हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है किस तरह से आप मदद करते हैं. वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज. जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपने लिखनी है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट दे समटाइम्स फेस पेन इन देयर बोन्स. कभी कभी क्या है उनकी हड्डियों में दर्द होता है. सेकंड आप लिख सकते हैं दे फेसेस इश्यूज इन हियरिंग. उन्हें सुनने में भी क्या है दिक्कतें आती हैं. और थर्ड आप लिख सकते हैं दे लैक गुड आईसाइट. उनकी क्या है जो अच्छी आईसाइट थी जो ठीक से देख सकते थे वो भी क्या है उनकी आईसाइट भी कमज़ोर हो जाती है जब बुढ़ापा आता है. हाउ डज़ रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग. रवि भैया को कैसे पता चल जाता था बिना देखे कोई भी चीज़ वो कैसे बता देते थे. हम लिखेंगे रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग बिकॉज ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. ठीक है रवि भैया कैसे बता देते थे क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो काफ़ी अच्छा था. वो अच्छे से सुन सकते थे क्योंकि जो मोस्टली ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके जो स्मेल और हियरिंग का सेंस होता है वो काफ़ी तेज होता है. हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन. क्या आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है अगर हाँ तो कब. कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक. क्या आप सोच सकते हैं कि आपको स्टिक की ज़रूरत कब पड़ सकती है. तो आपको स्टिक की ज़रूरत कब पड़ सकती है जब आप माउंटेनियरिंग कर रहे हों उस टाइम पर आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है. हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी. हम उन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं जो कि देख नहीं सकते. तो हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं बाय हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड्स एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स. जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों या फिर रोड क्रॉस कर रहे हों तो उस टाइम पर अगर हम उन्हें हाथ पकड़ कर रोड क्रॉस करा दें या फिर सीढ़ियाँ चढ़ा दें तो उसमें हम उनकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. इज़ देयर एनी मेम्बर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी स्पीक और हेयर. क्या आपके घर में कोई ऐसा मेम्बर है जो कि देख ना सकता हो या बोल ना सकता हो या फिर सुन ना सकता हो. डू यू नो एनी सच पर्सन. क्या या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं. हाउ डू पीपल हेल्प देम विद योर वर्क. कैसे लोग उनकी मदद करते हैं आपको ये बताना है. यू रीड
इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी. आपने स्टोरी में पढ़ा कि रवि भैया जो हैं वो देख नहीं सकते हैं. बट ही डज़ ऑल हिज़ वर्क ऑन हिज ओन. लेकिन वो अपना सारा काम खुद ही करते हैं. ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स. वो एक अलग तरह की बुक से पढ़ाई किया करते हैं. टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम. वो कैसे अपना काम ये सारा कर लेते हैं उसको आप फील करने के लिए, समझने के लिए क्या करेंगे, अपनी आँखों को बंद कीजिए और इस गेम को खेलिए. ब्लाइंड फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड गेम आपको खेलना है. ब्लाइंड फोल्ड गेम आपने कई बार खेला भी होगा, जिसमें क्या करते हैं, कई सारे बच्चे जब हम रहते हैं तो उसमें से एक बच्चे की आँख पर पट्टी बांध देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें फाइंड करो. तो वो हमें कैसे फाइंड करता है, हम अलग अलग तरह की साउंड निकालते हैं और वो साउंड से ही पहचानता है, हमारी आवाज़ से पहचानता है कि हम कौन हैं और कहाँ हैं, और वो उसी तरफ हमें पकड़ने के लिए भागता है. ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप. आपको क्या करना है, ग्रुप में किसी एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध देनी है. वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली. एक एक करके आप क्या करेंगे, उस बच्चे के पास चुप होकर उसके पास आएंगे. द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज़ बाई टचिंग हिम और हर. जिस बच्चे की आंख पर पट्टी बांधी है उसे क्या करना है, आपको टच करके बताना है कि आप कौन हो. टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड. आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक भी आवाज़ ना करें. डू यू नो वाई, क्या आपको पता है क्यों, क्योंकि आप आवाज़ करेंगे तो आवाज़ से तो वो आपको बहुत ही ईजीली पहचान लेंगे. ठीक है, अगर आप उनके पास जा रहे हैं तब आप आवाज़ करेंगे तो आवाज़ से आपको कोई भी पहचान लेगा. लेकिन आपको क्या करना है, वो जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है वो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, आपको टच करके. इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन. और इसी तरह से क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करते रहेंगे और वो गैस करेगा. ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गैस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर. हर किसी को क्या करना है, टच कर कर गैस करना है कि जो उसके सामने बच्चा है वो कौन है. डिस्कस एंड टेल, डिस्कस करो और बताओ. हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकोगनाइज द अदर्स बाई टचिंग. कितने बच्चे थे जिन्होंने रिकोगनाइज कर लिया टच करने से अपने सामने वाले बच्चे को. हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकोगनाइज द अदर चिल्ड्रन बाई ओनली हियरिंग दैम. कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सुनने से पहचाना कि कौन उनके सामने खड़ा है. विच वॉज ईजियर ऑफ द टू. इन दोनों में से क्या ज़्यादा ईजी था. तो ईजी क्या है, ज़्यादा हियरिंग. अगर आप किसी को सुनते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से उसे पहचान सकते हैं टच करने से बेटर. टच एंड टेल हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ. टच करो और बताओ कि आपके मुंह में कितने दांत हैं. विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ. और आपको बताना है कि आपकी क्लास में कौन ऐसा बच्चा है जिसके सबसे ज़्यादा दांत हैं. हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकोगनाइज बाई ओनली टचिंग. कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप टच करके ही बता सकते हैं कि ये क्या है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप टच करके ही बता सकते हैं कि वो क्या है. क्लोज योर आइज एंड लिसन. अपनी आंखें बंद करो और सुनो. व्हाट साउंड्स कैन यू हेयर. क्या आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव. कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके मूवमेंट के अकॉर्डिंग. जब वो चल रहे हों और आपकी आँखें क्लोज हों तो आप क्या उनको रिकोगनाइज कर सकते हैं, किसको आप रिकोगनाइज कर सकते हैं वो आपको बताना है. By just smelling, can you guess if it is someone close to you? सिर्फ smell करके क्या आप बता सकते हैं कि कोई आपके पास खड़ा है. यह आप try करना और फिर आप लिखेंगे. There is a special way of reading and writing for people who cannot see. एक special way है उन लोगों को लिखने और पढ़ाने के लिए जो कि देख नहीं सकते. It is called braille. इसे ब्रेल कहा जाता है. इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ड पॉइंट्स डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल. ब्रेल किस तरह से पढ़ाई जाती है, इसमें क्या होता है कि एक थिक पेपर होता है, मोटा सा पेपर होता है, उसमें रो बनाई जाती हैं जिसमें रेस्ड पॉइंट्स होते हैं, उठे उठे से डॉट्स होते हैं, एक पॉइंटेड टूल से वो बनाए जाते हैं. ब्रेल इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस्ड डॉट्स. ब्रेल को पढ़ा कैसे जाता है, जो ब्लाइंड पीपल हैं वो अपनी फिंगर्स उस डॉट्स पर रखते हैं और फिर उसे पढ़ते हैं. लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी टू रिकोगनाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट. आपको ट्राई करना है कोई भी शेप लेनी है और उसे बिना देखे सिर्फ टच करके उसे रिकोगनाइज आपने करना है. ये डिफ़िकल्ट है या ईजी है आपको फिर बताना है. टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर
आप एक सैंड पेपर की शीट लेंगे, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। फिर आपने क्या करना है, उसमें एक थिक वूल लेनी है या फिर एक थिक थ्रेड लेंगे, आप मोटी सी थ्रेड लेंगे और उससे उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर और हिज आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर और हिज फिंगर ऑन द शीट। फिर आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड की आइज क्लोज करवानी है और उसे कहना है कि जो आपने शेप बनाई है अपनी फिंगर्स उस पर रन करें और फिर बताएं कि वो क्या शेप है। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट। फिर अपने फ्रेंड को आप पूछेंगे कि ये डिफ़िकल्ट था या ईजी। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। फिर अपने फ्रेंड को कहिए कि जिस तरह से आपने एक सैंड पेपर पे शेप बनाई उसी तरह से वो भी एक शेप बनाए। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विद योर फिंगर्स। फिर आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स उस पर रन करनी है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, एक मोटा सा पेपर का पीस लीजिए। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल। फिर आपको क्या करना है, उसमें एक आउटलाइन बनानी है कंपास या फिर नीडल की मदद से, ठीक है, डॉट 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 करके। मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, आपको पास पास कम डिस्टेंस में डॉट्स बनाने हैं नीडल से या फिर कंपास से आप बनाएंगे। ऑन द आउटलाइन ड्रॉन, फिर जो आपने आउटलाइन बनाई है उसमें वो डॉट्स करने हैं। यू कैन सी दैट द पेपर इज़ रेज्ड ऑन द अदर साइड, आप देखेंगे कि जो पेपर की बैक साइड है वहाँ से क्या है, वो उसमें जो डॉट्स हैं वो उठ गए हैं, रेज हो चुके हैं। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन। फिर आपको अपने फ्रेंड को कहना है कि अपने आइज क्लोज करें और फील करें अपने फिंगर्स से कि आपने जो आउटलाइन किया है वो क्या है। इजेंट इट डिफ़िकल्ट, क्या ये डिफ़िकल्ट नहीं है। थिंक अबाउट हाउ पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। सिर्फ डॉटेड से आप किसी लेटर को रिकग्नाइज करें वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो आप ज़रा सोचिए कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो उसे कैसे पढ़ लेते होंगे। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल, चलो अब हम ब्रेल के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स, आपने देखा कि रवि भैया जो हैं वो स्पेशल टाइप की बुक्स पढ़ते हैं। हाउ आर दीज बुक्स मेड, वो बुक्स किस तरह से बनाई जाती हैं। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स, सबसे पहले किसने इस बुक के बारे में सोचा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट, चलो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये किसने सबसे पहले सोचा ब्रेल बनाने का। द ब्रेल स्क्रिप्ट, ये आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, ए बी सी डी ई, तो आपको बताया है कि ए किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ए उस तरह से नहीं लिखते हैं जैसे कि हम लिखा करते हैं, ठीक है। ए में क्या है, एक डॉट है, एक डॉट क्या है, रेज हो रखा है। बी में दो डॉट्स हैं डाउन साइड में, सी में दो डॉट्स हैं आगे की तरफ, डी में थ्री डॉट्स हैं आगे से नीचे, ई में क्या है, सिंगल क्रॉस में क्या है, एक ई बना है दो डॉट्स है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से ए बी सी डी ई लिखा जाता है और जेड तक इसी तरह से अलग अलग डॉट्स जो हैं उठे होते हैं और फिर पता चलता है कि वहाँ पर क्या लिखा है। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, लुइस ब्रेल है जो कि फ्रांस से बिलोंग करता था। वन डे व्हेन ही वॉज थ्री ईयर्स ओल्ड ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल्स, एक दिन जब वो तीन साल का था तो वो अपने पापा के टूल्स के साथ खेल रहा था। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, और अचानक से क्या हुआ, एक नुकीला टूल था उसने उसकी आइज को हर्ट कर दिया, यानी कि उसकी आंखों पे वो लग गया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उसने अपनी आई साइट खो दी, देखने की उसकी क्षमता थी वो खो दी। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, उसे बहुत इंटरेस्ट था पढ़ाई करने में। ही डिड नॉट गिव अप, उसने गिव अप नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे तो अब दिख नहीं रहा है तो मैं किस तरह से पढ़ूंगा, क्योंकि वो क्या था, पढ़ाई का उसको बहुत इंटरेस्ट था तो उसने गिव अप नहीं किया। ही कैप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, वो हमेशा सोचता रहा कि वो किस तरह से पढ़ लिख सके। फाइनली ही फाउंड अ वे, और लास्ट में उसे एक रास्ता मिल ही गया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, पढ़ाई कैसे, टच और फील करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, और यही तरीका पढ़ने का बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट कहलाया गया। ब्रेल स्क्रिप्ट क्यों कहाया गया, क्योंकि उसका नाम क्या था, लुइस ब्रेल, तो उसी के नाम पर वो ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर,
तो फिर इस टाइप की स्क्रिप्ट में क्या होता है, एक रो होती है जिसमें रेज डॉट्स होते हैं एक थिक पेपर पर, एक मोटे पेपर पे। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, क्योंकि वो डॉट्स जो हैं रेज्ड होते हैं, उठे हुए होते हैं, इसीलिए वो पढ़े जा सकते हैं उनके ऊपर फिंगर्स चलाकर। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, ये जो स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट पे बेस्ड होती हैं। आपको दिख रहा होगा ए में भी क्या है, 6 पॉइंट हैं, लेकिन जो डॉट है वो उठा हुआ सिर्फ एक है, अदरवाइज वहाँ पर 6 पॉइंट्स है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस दीज डेज, ब्रेल स्क्रिप्ट में आज के टाइम पर काफ़ी चेंजेस भी कर दिए गए हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, और इससे क्या हो गया है, पढ़ना और लिखना अंधे लोगों के लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए काफ़ी ईजी हो चुका है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, और ब्रेल आज के टाइम पे कंप्यूटर को यूज़ करके भी लिखी जा सकती है। उसमें क्या है, इतने चेंजेस किए गए हैं कि वो रेज डॉट सिर्फ हाथ से नहीं करने हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू भी बनाई जा सकती है। ठीक है, सो इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, ये लेसन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने देखा कि ब्रेल स्क्रिप्ट किस तरह से बनाई गई। ठीक है, तो ब्रेल स्क्रिप्ट किसने बनाई थी, लुईस ब्रेल ने, और वो कहाँ से बिलोंग करता था, फ्रांस से। ये आपको लेसन अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। थैंक यू।